नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वेज टेक यूट्यूब चैनल पर। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है और आने वाला यह मानसून खेती पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारे किसान भाइयों की फसल काफ़ी अच्छी आती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी बीच बंगाल के उपसागर में एक स्ट्रॉम उठ रहा है जिसका नाम है अम्फन। और इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि मानसून 2020 का आगाज इस बार सामान्य समय से पहले हो सकता है। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुमान से इस साल मानसून 28 मई को ही केरल में दस्तक दे सकता है, जो कि हर वर्ष 1 जून को देता है। आपको बता दें कि इसमें 2 दिन का एरर मार्जिन भी है, यानी अगर परिस्थितियां अच्छी रही तो मानसून 26 मई को ही केरल में आ जाएगा और विपरीत परिस्थितियों में 30 मई तक केरल में मानसून आ सकता है। और इसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम उठ रहा है अफन, उसके चलते बंगाल की खाड़ी और जो समुद्र की स्थितियाँ हैं, पर्यावरणीय स्थितियाँ हैं, वो सारी यह बताती है कि जल्दी ही मानसून आने वाला है। इसलिए आप अपने खेतों के सारे काम इस प्रकार से मैनेज कर सकते हो। दक्षिण पश्चिम मानसून को जब शुरुआत होती है भारत में तो वो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होती है और सामान्य तौर पर 20 मई को अंडमान निकोबार पर बारिश होती है। बात करें अगर वर्ष 2019 की, 2019 में अंडमान निकोबार में बारिश होने के लिए लगभग 30 मई पार हो गया था और वो केरल में 7 जून को पहुंचा था। और उसके बाद भी हमने देखा कि पिछले वर्ष में बारिश सामान्य से 10% अधिक हुई थी। और IMD का यह कहना है कि मानसून अगर देरी से भी या पहले भी आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी के हिस्सों में वह समय से पहले पहुंचेगा या फिर इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। और साथ ही खुशी की बात यह है कि इस बार अलनीनो नहीं है, जिसकी वजह से पूरे भारत में इस साल मानसून का प्रदर्शन काफी बढ़िया होने वाला है। और फिलहाल की स्थिति यह है कि अम्फन स्ट्रॉम अगले 24 घंटे में साइक्लोन का रूप ले लेगा और इसकी वजह से मानसून करंट जो समुद्रीय भागों से एक्टिवेट कर रहा है वो आगे बढ़ जाएगा और जैसे जैसे आगे जाएगा समुद्र हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। केरल से आगे मानसून आगे बढ़ने का अंतराल 5-5 दिन का होता है, यानी केरल में पहुंचने के बाद 5 दिन में यह कर्नाटक और मुंबई में पहुंचता है और पूर्व में पश्चिम बंगाल में इसका आगमन हो जाता है। यानी 28 मई को पकड़े तो लगभग 5 जून या 3 जून के आसपास मुंबई, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मध्य भारत यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 10 जून को बारिश हो सकती है। इसके बाद का स्लॉट यानी 10 से 15 जून में मध्य प्रदेश तथा गुजरात में बारिश दस्तक दे सकती है। बात करें पूर्वी छोर से तो उत्तर प्रदेश में 10 से 15 के बीच यह मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि यूपी में काफी बाद में मानसून दस्तक देता था, लेकिन इस बार उम्मीद यह है कि यूपी में भी मानसून जल्द ही दस्तक देगा और 25 जून तक पूर्वीय राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश पहुंच जाएगी। हमारे पास अभी मानसून के वापसी की भी डेट्स है, लेकिन फिलहाल उस पर बात करके ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसी अभी अम्फन की स्थिति है, अम्फन की स्थिति पर मानसून का काफी बड़ा परिणाम हो सकता है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हवामान का ये अंदाज हमने काफी आसान शब्दों में आपको समझाया है, ताकि हमारे किसान भाई जल्दी से इसे समझ सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।